दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथामृत का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम 8 से 14 दिसंबर तक दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। साथ ही इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार कर रही छात्राओं ने गोलघर स्थित काली मंदिर पर लोगों को इसके प्रति जानकारी दी और भ्रूण हत्या के प्रति लोगों को जागरूक भी किया। इस अवसर पर पूजा यादव, विमला शर्मा, सुधा चौहान, प्रीति निषाद, अनिता शर्मा, शालू सिंह, संजना निषाद, सृष्टि शर्मा, साधना गुप्ता आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अर्चना गुप्ता और वंदना गुप्ता ने कहा, और हम यहाँ पर आकर के बताना चाह रहे हैं कि लोग जो लोग माता की पूजा करते हैं वही लोग आकर मंदिर में माता से बेटों का मनोकामना करते हैं, लेकिन असल में जिन माता से वो मांग रहे हैं वो खुद एक देवी है, वो खुद एक लड़की है। वो लोग इसको ध्यान न दे करके माँ से खुद बेटे की मनोकामना कर रहे हैं। तो वही हम आज यहाँ बताने आए हैं कि जिन माता से आप मांगना है वो खुद एक नारी है और आपको नारी का संरक्षण करना चाहिए। अगर नारी नहीं रहेगी तो ये दुनिया ये विश्व का कोई मतलब नहीं है, बिना नारी का कोई भी चीज़ संभव नहीं है। मेरा नाम अर्चना गुप्ता है और मैं डीडीएस की तरफ से आई हूँ यहाँ पर। आज हम यहाँ पे डीडी में कथा होने जा रहा है, श्रीमद् भागवत कथा डीडीएस की तरफ से, और ये कथा जो है 8 से 14 दिसंबर तक होगा और इसका टाइमिंग जो है 2 बजे से 6 बजे तक है। और यहाँ पर साधु दीदी कथा करने के लिए आ रही हैं, आस्था भारती आ रही हैं। यदि कोई भी मतलब किसी के परिवार के लोग अगर नशे से पीड़ित हैं तो वो यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पर उन लोगों का नशा से छुटकारा दिलाया जाएगा। हम यहाँ पे लोगों को नारियों के बारे में मतलब उनके सम्मान के बारे में और कन्या भ्रूण हत्या के बारे में जागरूक करने आए हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ आज समाज में लोग कन्याओं का हत्या मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। अगर लड़कों का रेशियो 1000 है तो वहाँ पे लड़कियों का रेशियो जो है 964 है। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो लड़कों की शादी किससे वो लोग करेंगे? वो लोग बाहर से आके लड़कियों को खरीद कर ला रहे हैं, तो उसी बन अगर लड़कियों को वो लोग जन्म दे तो ज़्यादा ही अच्छा है।